सीखा को भी लोगों ने कुछ भी कह दिया कि तुमने वहाँ रहकर आई और अपमान सहा हो, लेकिन वो सुख छूटा नहीं। कुरखेड़ा में बाद में क्या हुआ पता नहीं, वहाँ का वहाँ की जमीन चली गई। वो नागपुर में कुटी बोरी में प्रयत्न करा, मेरे पास आया कि मैं ये आया हूँ नीचे इतना स्थापना करना चाहता। उसने इतनी बातें से आपको मैं कहता हूँ, मैंने भी बहुत बार उसको डांटा इस बारे में, लेकिन वो उस उद्देश्य को लेकर नहीं हटा कि मैं अनिचेतना केंद्र की स्थापना करता हूँ। या कोई उसके पास दिया हुआ मंत्र न मेरा दिया हुआ है, उसके मन से आया हुआ मंत्र है, वो मंत्र लिखता है। आप इस बात को छोड़ दो कि उस वो क्या कर रहा है, इस बात को देखो कि वो एक कड़ी को देखकर चल रहा है। इस शिविर के बारे में भी जो आज छठवां शिविर है नागपुर में, वो करना चाहता था। मैंने इसको कोरोना की जब से वो 3-4 साल से पढ़ा हुआ है कि गुरु जी मेरे को शिविर दो और मैं शिविर नहीं दे रहा, तो अनिल जी ने कह दिया नाम रख मैं शिविर नहीं देता। लेकिन जब लास्ट टाइम आया था गुरु जी बहुत दिन हो गए, वो एकदम इसके पास एक बीमारी को हो जाए, इसके पास एक चालाकी को क्या है, वो पामक्रेडिट साफ कर लेके आया। गुरु जी अनिल चेतना के अंदर शिविर को शिविर करता हूँ। अरे पामक्रेडिट साफ किया मैं पूछा भी नहीं, फिर भी मैं इसकी भावना की कदर करते हुए मैंने ठीक है 6 जून को शिविर करवा लेंगे। जबकि दत्तु भैया का कहना था भैया तुम बहुत बिजी हो, तुम आप देख लो इतना गुरु पूर्णिमा में गुरु मंदिर का काम चल रहा है, आज संगमरमर से हम गुरु जी का मंदिर कहाँ हो या ना हो 60 करोड़ से संगमरमर का गुरु जी का मंदिर मान रहा हूँ, जो 3 फ्लोर्स में 10 महाविद्यालय 60 करोड़ हैदराबाद कल के लिए एक ऐसी साधना स्थली बने, लोग साधना करने वहाँ आए तो मेरे बाद में पीढ़ियाँ याद रखें कि यहाँ स्वामी स्वामी की चेतना जागृत है। वैसे तो हम देखते हैं आज गुरुओं की कोई कमी नहीं, आपको हर गली में हर गांव में गुरु मिल जाएंगे। निजय जयशुरान जी ने शिष्य संघ में गुरु ज्यादा बनाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे गुरु का शिष्य ही समझे, आपका गुरु भाई समझे। मेरा एक ही लक्ष्य था कि आप साधनात्मक होकर साधना करते हुए बने। यह साधना ऐसी साधना कि जिसमें तुम्हारी भावनाएं जुड़े हुए हो, तुम्हारी भावनाएं हो, आप क्या कर रहे हो इसके आप मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हो या कब जा रहे हो, आप स्वामी श्याम जी के प्रति समर्पित हो तो आप मेरे। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस गुरु के पास जा रहे हो, इसका भी श्याम जी के साथ जुड़े हो। लेकिन मुझे वो लोग पसंद नहीं जो साधना नहीं करते, केवल बातें बनाते हैं वो लोग नहीं। तपस्या चाहिए आज भारत को जरूरी है, वो तपस्या को जो ब्रह्मास्त्र की विद्या को जानी। आज उस भारत के उस साधना शिविर को उस ऋषि की तपस्या जरूरी है जो परस्पतास्त्र को जाने, जो अग्नियास्त्र को जाने, जो उस शत्रु भावना को निकाल लिया, सनातन धर्म की स्थापना कर गया। आज हम नपुंसक जीवन जी रहे हैं, हमारे बाजू में कोई आकर हमारे लोगों को मार देता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ये कर केवल वो नहीं कर सकता है जिसके पास साधना की शक्ति हो, जिसने साधना की हो। आज भी मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं एक बार के बाद हम जंगल में जा रहे थे, श्रीशैलम के जंगल में साधना के लिए जा रहे थे, तो एक महान व्यक्ति जो मेरे साथ थे, हम सब लोग मेरे पास तब कार में ही थे और हम कार में बैठकर जा रहे थे, तो वो व्यक्ति दूसरे धर्म का था और उसने जाते जाते देखा कि मैंने एक मंदिर रास्ते में लगा, तो मैंने नमस्कार किया। उसने क्या किया, क्या मुझसे क्या कहा, अरे अनिल तुम भी क्या यार, कभी झाड़ को नमस्कार करते हो, कभी सांप के बिल को नमस्कार करते हो, कहीं पत्थर को नमस्कार करते हो, ये तुम्हारा धर्म क्या धर्म है। मैं साधना में कच्चा था, साधना कभी कभी साधना ही कर रहा था, लेकिन उसको मेरे बारे में भरोसा था कि ये साधना करता है। उसने मेरे को छूटते ही क्या कहा कि ये तुम्हारे झाड़ के नीचे जो पत्थर रखा हुआ है, जो तुम देवी ऊर्जा नमस्कार किए हो, मैं उसके ऊपर मूत्र कर देता हूँ, देखो मेरा क्या बिगाड़ करते हो। मैं जाऊँ माथा खनका, मैं इतना गरीब था, मेरे आंखों में आंसू आ गए, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं क्या करूँ, ये बात कर रहा है उसको कैसे रोक सकूँ और उस देवता की शक्ति को मैं कैसे बता सकूँ। तो गुरु जी ने मुझे याद दिलाया, मैं गुरु जी उससे पहले ही मैंने महाकाल और चंडी साधना की थी, और गुरु जी ने कहा था मैंने शिवगुरु की साधना भी की, पहली साधना मेरी कुंजिका स्तोत्र की साधना थी और दूसरी साधना शिवगुरु की साधना थी। और शिवगुरु की साधना में था कोई भी प्रबल शत्रु हो और तेरे सामने कोई विरोधी काम कर रहा हो तो तू केवल उस मंत्र का उच्चारण कर। मैंने दिल में उसके सामने नहीं कहा, लेकिन गुरु जी ने उस स्फूर्ति को ज्ञान दिया और मैंने शिवकृत्या का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और मैंने कहा कि जो तुम करना चाहते हो करो, वो हंस रहा था, तुम्हारा देवता या तुम्हारे झाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने शिवकृत्या मंत्र को बोला, शिवकृत्या का मंत्र जब करते रहा
वो मूत्र करके आया और जैसा ही कान में बैठा उसके वो दोनों भाग भी बढ़ते गए। ऐसा बड़े तो उठ नहीं सका, वो पूरा चिल्ला रहा था, जोशी मेरे को क्या हो रहा है? मैंने कहा तूने जो मेरे देवता का अपमान किया है मैंने मंत्र किया है और मेरे मंत्रों में शक्ति है, जब तक तो जाते नाक नाक नहीं लगेगा तब तक तेरा कम नहीं होगा, किसी डॉक्टर के पास जा, किसी भी डॉक्टर के पास जा, ये तेरा कम नहीं होगा। और वो फिर आया नाक रगड़ा, तब मैंने ईश्वर सत्या मतलब कहा कि मैं वापस ले रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ साधना में शक्ति है और हमें उन शत्रुओं से उन विरोधियों से जो सनातन धर्म के विरोधी है उनके साथ टक्कर लेना, हमारे मंत्रों में शक्ति है लेकिन हमारे में साधनाएं होना जरूरी है। अल्लाह का तो सभी तरह है, मैं भी अतुल ढोंगने के अल्लाह समझता हूँ। जैसा एक बार जिंदगी में गुरु जी एक हमारे विश्लेषण के मंदिर हमारे में घूम रहे थे तो एक ब्राह्मण के घर गए, तो उस ब्राह्मण के घर में देखते हैं, देखते क्या है कि एक बच्चा है जो एकदम पेड़ पर चढ़ जाता, नीचे कूदता या अपने बाप को मार देता या बाप खाना खा रहे बैठा तो बाप के थाली में मुंह देता, ऐसा काम कर रहा था। वो बाप तंग आ गया और कहा, स्वामी विश्लेषण जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कौन सा पाप किया है तुमने क्या मुझे नहीं मालूम, ये बच्चे को मैंने जन्म दिया, ये बच्चा मेरे पास है, मैं इसको तो मेरे पास रखना नहीं चाहता, आप इस बच्चे को ले जाओ। गुरु जी ने उस बच्चे को देखा तो उसने उससे बाप से कहा कि क्या ये सच है, मैं ले जाऊँ प्रभु, एक मिनट में ले जाओ, मैं तो तंग आ गया हूँ उसे, आप इसे ले जाओ मेरे पास, इतना खराब है, इतना गंदा बच्चा है कि कब क्या करेगा, कौन सा उपद्रव लाएगा ये मुझे पता नहीं, इसे आप ले जाओ। गुरु जी ने कहा इसे ले जाता हूँ लेकिन आज से वो तेरा नहीं मेरा होगा। गुरु जी के साथ एक शिष्य थे स्वामी हिरेन्द्रनाथ, एक शिष्य थे, उन्होंने कहा हिरेन्द्र इस बच्चे को तुम तेरे साथ ले, हम अपने को हम इसके साथ ले जाएंगे। और उसने कहा उसका नाम आज से मैं सौम्यानंद रखता हूँ, ये वीरेंद्र हंस रहा था और बाप हंस रहा था, सौम्यानंद, सौम्यता इसमें तिल भर की नहीं है और नाम सौम्यानंद रख लेते हैं, प्रभु आपके लिए आप जाने आप इसकी इसका नाम सौम्यानंद रखते हैं। धीरेन्द्र के साथ गए जंगल में, बहुत दूर जाने के बाद गुरु ने कहा कि धीरेन्द्र मैं थोड़े दिन के लिए साधना को जा रहा हूँ, इस बच्चे को तो संभालना। उन्होंने कहा गुरु ने भला मेरे ऊपर डाल दिया, चले गए, अब इसको मैं संभालू तो कैसे संभालू। खाने को बुलाता था तो वो एक दिन देखता देखता है बोले गुरु जी ने तो कार्य सौंप है अभी कैसे करें, जाकर एक दीवार पर चढ़ गया और नीचे से पुकार रहा है ऊपर कूद जाऊँ, अब ये तो डर गया कि कुछ भर जाएगा ये, इसको कैसा करें, भागते हुए पकड़ के लाया, अरे तेरे को नमस्कार करता हूँ तो ऐसा मत कर, रात में सोता ठीक नहीं था। एक दिन इसको कुछ काम सौंप कर गए कि तू ये खीर खा ले मैं अभी आता हूँ, और इसके सामने और उसको हाथ बांध देकर चले गए और संविधा जाने के लिए जंगल में गए। संविधा तोड़ ही रहे थे कि देखना कि सामने चीता खड़ा है, एकदम जंगल है, वो डर गए कि चीता मेरे ऊपर क्या करेगा, गुरु जी का स्मरण कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वो जहाँ खड़ा था उसके पेट के ऊपर उससे पहले ही वो सौम्यानंद आकर पेट पे खड़ा था, उस चीते को देख रहा था। आप बोले चीता भी गया, ये भी गया, मैं भी गया, तीनों भी गए, प्रभु ये आपकी क्या लीला है, मुझे क्यों मारना चाहते हो, ये ऊपर खड़ा है और चीते को देख रहा है, अभी मारो क्या। अरे उसने कहा तू उतर गया भाई, तू मेरी बात सुन तो क्या कर रहा है, वो तो हंसने लगा। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो उस चीते के ऊपर कूदूंगा। मैं बोला गुरु जी मैं गया, चीता भी गया और ये भी गया, अब आपकी संभालो, दोनों आंखें मूंद लिए और गुरु जी का स्मरण करता हुआ वो धीरेन्द्र अपनी पूजा करता हुआ बोलने लगा कि प्रभु आपकी रक्षा करना। दो मिनट के बाद क्या देखता है कि धीरेन्द्र उतर के आया और उसने सौम्यानंद क्या हुआ, धीरेन्द्र को कोई थपथपाने लगा, देखा क्या हुआ तू कैसा क्या आया, वो चीता तो भाग गया लकड़ी से मारा। तब उसको लगा कि गुरु जी ने इसको यूं ही सेलेक्ट नहीं किया, इस सिलेक्शन में कोई ना कोई काम है, चीता जब इसके लकड़ी से मारने से भाग जाता है तो इसमें कोई ना कोई श्रेष्ठता तो है ही। फिर इसको लेके गए और उस दिन गुरु जी से प्रार्थना करके प्रभु अब मैं ये संभाला नहीं जा सकता, आप इसको आकर किसी भी तरह ले जाओ, मेरे से नहीं हो सकता। दूसरे या तीसरे दिन गुरु जी आए और बोले धीरेन्द्र क्या हुआ, गुरु जी आप मेरे को जहर दे दो, देख इसको मेरे पास पात्र, मैं इसको संभाल नहीं सकता, ये इतना खतरनाक लगता है। गुरु जी ने उसको दीक्षा दी और कहा कि ठीक है मैं इसे मेरे साथ ले जाता हूँ और ले गए। ऐसे ही आने जाने में एक 10-20 साल गुजर गए, 20 साल के बाद स्वामी विश्लेषण, 10 साल के बाद समझता हूँ स्वामी विश्लेषण जी प्रयाग की तरफ जहाँ लखनंदा बैठे वहाँ साधना में ऐसा पता चला और एक धीरेन्द्र जी उनको मिलने के लिए वहाँ गए। मिलने के लिए गए तो गुरु जी ने उनसे मिले तो देखा खट्टा खट्टा लगा, बहुत बड़ा खड़ा हुआ है,
उसने देखा कि लड़का कौन है। उस लड़के ने कहा, उनको अभिवादन किया, नमस्कार किया, बोले हाँ नहीं तुझे कैसे कहीं देखे ऐसा लगता है। तो उनने कहा वही तुम्हारा अल्लाह लड़का, मैं सौम्यानंद हूँ। उन्होंने देख के परेशान हो गया कि सौम्यानंद ऐसा हो गया। तो गुरुजी ने कहा सौम्यानंद जरा उसके साथ बात कर ले। इसको लगा कि कहीं जाते जाते उपद्रव तो नहीं करेगा। गुरुजी पहले ये बात बता दो कि इसने अल्लाह लड़का छोड़ दिया है नहीं छोड़ दिया है। उसने कहा अल्लाह लड़का तो छोड़ दिया, तू ही देख लेना, प्रभु उसके साथ जाने के लिए कह रहे हो, कहीं आगे कुछ चला तुम नहीं, तू जा तो जा। बोले दोनों वहीं गए, जा रहे थे, जाते जाते देखा कि नदी उफान पर बह रही है गंगा, और उन्होंने हाथ पकड़ के कहा चलो प्रभु जाएंगे नदी में, अरे मर जाएंगे नदी में, मैं कैसे आ सकता हूँ, इतनी नदी उफान से बढ़ रही है यार, तुम क्या बोलते हो तुम, मैं नहीं आ सकता, तुम कुछ भी बोलो, मैं गुरु जी के चरण प्रार्थना करता हूँ, मैं नहीं आऊँगा, तुम जाना है तुम जाओ। उसने कहा कुछ नहीं होता, और उसने एक बार तो छलांग लगा दी नदी में, नदी में छलांग लगा दी, देखते रह गया। सौम्यानंद बोला ये तो गया, नदी इतनी उफान पर है, अब ये तो उसने बहते हुए चला जाएगा, दो मिनट में देखता क्या कि वो नदी से उधर से आया, पीछे मैं यहाँ हूँ, वो नदी में देखते रह गए कि डूब तो नहीं गया, ये पीछे से आया, बोला मैं यहाँ हूँ, अरे यार भाई तो नहीं आ सकता अंदर, तुम कुछ ना कुछ करो। उसने कहा चलो तुम मेरे साथ आओ, और जहाँ नदी पतली सी बहती है वहाँ से नदी पार करके गए। देखते बहुत नदी पार करके गए तो देखते हैं एक छोटी सी छोटा सा गुफा गुफा टाइप है, और वो गुफा में जाकर हमने देखा, देखने के गुफा के अंदर से जब गए तो एक चट्टान पर चढ़ गए, गुफा से अंदर जाने के बाद नदी से नदी के नीचे से, और चट्टान पर गए तो देखते क्या है कि वहाँ एक पीतल की मूर्ति जो भयंकर है जिसे सिंदूर लगा हुआ है वहाँ लगी थी। और उन्होंने कहा कि आजकल समय पहले धीरे धीरे मैं आजकल इसमें ही साधना करता हूँ गुरु जी की आज्ञा। गुरु ने कहा ये जो देवता बैठे हैं ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में प्रभु ने सदगुरु जी ने मुझे जो बताया था वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह भैरव जी की मूर्ति है, और इस मूर्ति के साधक और साधना करने वाले कौन थे? साक्षात महाभारत के कर्ण थे। कर्ण जो सूर्य पुत्र कहलाते हैं आप सब लोग जानते हैं। कर्ण के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो शापग्रस्त हुई। उन्होंने धनुर्विद्या सीखी अपने गुरु परशुराम जी के पास, लेकिन झूठ बोल करके मैं ब्राह्मण हूँ यह कहते हुए उन्होंने विद्या सीखी। लेकिन उनकी परीक्षा में जब ये बात हुआ, एक दिन परशुराम जी अपना सर उसके गोद में रखकर सो रहे थे, तो उतने में एक बहुत बड़ा भंवरा आया और आकर कर्ण के मांडी को काटने लगा, जहाँ उसका और उसके साथ खून बहने लगा। वो इसलिए चिल्लाया नहीं, इसलिए उठा नहीं कि कहीं मेरे गुरु की नींद ना टूटे,